गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हाल चाल है, किवें हो तुसी सारे। आज जो है संडे, संडे की जो गुड मॉर्निंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वैसे तो ये समझ लो कि आराम से सो के उठते हैं, मतलब 9 बजे उठो, 9:30 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है उस दिन। बस उठते ही अंजलि को कर देते हैं हम फ्री थोड़ी देर में। बस अंजलि ने हारी है, अभी जाना है उसे ऑफिस। वेदर बहुत अच्छा है, बापरे वेदर के साथ साथ मधुमक्खी भी बहुत घूम रही है। वेदर देखिए, आसपास का नज़ारा है, मस्त है वेदर। तब बारिश लगी हुई है बढ़िया सी, और वाह ये क्या है, कुछ तोड़ रहे हैं लोग, है ना, कोई सब्जी लगी होगी। ओके बारिश हुई थी आई थिंक ना, पता नहीं रात हुई है कब हुई है बारिश। ये देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, और शायद ये बतख है पानी के पास ना, वो अपना भोजन ढूंढ रही है वहाँ पे। वही गॉड, कितने सारे बतख हैं, वाइट वाइट बतख ही है ना वो, कि मैं गलत तो नहीं हूँ। अरे पहाड़ दिख रहा है क्या, और धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पहाड़ बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है। आज वैसे मौसम इतना बढ़िया है, ऊपर से मैंने क्या किया, येलो कलर की टी शर्ट डाली है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कहीं बाहर मतलब घूमने आए हैं, जैसे कि गोवा वगैरह हो गया कुछ, है ना। गोवा का नाम सुनते ही अंजलि का पारा गर्म हो जाएगा। अभी फिर से हमारा जाने का प्लान बन रहा है, अभी कहाँ जाना है, दशहरा में जाना है, दिवाली, छठ पूजा, अभी कहाँ कहाँ जाना है वो, अभी इसी पे लड़ाई चल रही है हमारी कि टिकट काटो टिकट काटो और चलो बस। ये देखिए, ये हमने जाली वाला गेट लगा रखा है, और ये जो डोर होता है ये हम ओपन कर देते थे, जैसे ठंडी ठंडी हवा आती है। और सेम इधर से, इधर भी क्या किया हमने, वो शीशे वाली खिड़की बाहर की तरफ खोल दी, जाली वाली खिड़की लगी हुई है ना, इधर से भी ठंडी हवा आती है। और हम ये भी रात को ओपन कर देते हैं, है ना, बस रात को ये वाला लॉक कर देते हैं। और वो वाला जो मेन गेट है वो तो लॉक ही रहता है यहाँ, ये वाला, ये अपना डबल लॉक रहता है, तो एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा आती है रात में। ये देखो भाई, बिरनिया तो फिर से ना इकट्ठी हो गई है बहुत सारी, अंगूठी लेगी 2000 रुपया, देखिए सोना का अंगूठी मांग रही है मेरे से गिफ्ट में, देखिए कितनी चलाक है लड़की, हेल्प करने को बोले हैं तो बोल रही है 2000 रुपया देंगे, और सोना का अंगूठी चाहिए 25,000 का। वाह, पैसन सौदा तो तुम ही कर सकती है ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ ऐसा बोल के तुम हमको ब्लैकमेल करेगी आज से लेकर के बर्थडे तक, हमको सब पता है, है ना अंजलि, करेगी ना ब्लैकमेल कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और नहीं देंगे तो बर्थडे के बाद बोलेगी कुछ नहीं ने दिए, कुछ नहीं ने दिए, जा अंजलि कैसन लड़की है तू, हमारा सब पता है, फिर लेगी हमारा तो बाप रे बाप। सही ना बोल रहा हूँ मैं, बर्थडे से पहले बोलेगी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब बर्थडे के बाद क्या होगा, एक तरफ से सबको, सब लोगों का फोन आएगा, आएगा कि नहीं बता, सब लोगों का फोन आएगा, बर्थडे में कथी दिला होगा, बर्थडे में कथी दिला होगा, मतलब हमारे घर से लेके ससुराल वालों सबका फोन आएगा, कथी मिल रहा हुआ कथी दे तू ना, अरे बाप रे बाप, ये बर्थडे में हो गया कि क्या हो गया, इसको देख रहे कैसे मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, है ना। मैंने बोला कुछ हेल्प कर दे, कुछ बढ़िया सा गिफ्ट ले लेते हैं तेरे लिए, है ना, मैंने उसको बोला। तो अंजलि बर्थडे के दिन पार्टी को, पार्टी तो होगी भाई, बर्थडे मेरा है, पार्टी भी मैं ही दूं कि आप दो? ओ वाओ, मतलब गिफ्ट भी मैं दूं, पार्टी भी मैं दूं, हैं, अपना किडनी दूं एक मैं तेरे को, वो ले ले,
किडनी ले ले मेरी, लगा ले, कैंसिल कर दो बर्थडे पार्टी, नहीं करना। बर्थडे कैंसिल कैसे हो सकता है यार, जब तो वो तो होगा ही होगा। इतनी उदास मत हो अंजलि, ऐसे तो बस मेरे पास जो पड़े हैं ना, वो जमा पूंजी मत मांगो। एक तो वैसे ही चिल्लर पड़े होते हैं मेरे अकाउंट में, 1000-2000 बता दो और सबको। एक रुपए नहीं छोड़ते, छोड़िए 1000 की तो बात ही अलग है। कितना बेइज्जती कर रही है मेरा तुम। अरे अंजलि मेरे पास 5 रुपए कम हो रहा है, करना है यहाँ गूगल पे। अंजलि वो टाइम अब चला गया, ऐसे मत बोलो। दो दो क्रेडिट कार्ड बनवा के रखे हुए ताकि बेइज्जती ना हो। अच्छा जब भरना पड़ता है क्रेडिट कार्ड तो हम भरते हैं कि तुम भरती है, बता ना। दोनों ही भरते हैं। अरे अब क्रेडिट कार्ड में ना डलवा के इधर उधर ही डलवा देते हो। लास्ट बताना कब तुम पैसा हेल्प किया क्रेडिट कार्ड में डलवाने के लिए, याद नहीं होगा तुमको। बाले नहीं बन रहा है, चलो ना कटवा देते हैं, गर्दन तक ले करवा देते हैं, बातें खत्म करो। सच्ची अंजलि हो चुकी हूँ और मनी आए हुए हैं सब्जी लेकर। तो आज का मेरा प्रोग्राम है मस्त आलू भर के पूरी बनाना है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मंडे या ट्यूसडे को हम बनाएंगे, हमारे यहाँ अदरा के दिन वो पूरी खीर सब्जी बनता है ना, बट आज आज आलू भर के बनाएंगे। आज इतना हिल क्या रही है? मेरा मन पकड़ो 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 कभी पकड़ू मैं, आप नहीं हिल रहे हो ना, खुद तो ऐसे बोल रहे जैसे स्टैचू बने हुए। अरे आप नई दुकान खुल गई? हाँ मेरे को पता है, मिल्क वगैरह मिलते हैं, आए हुए थे मेरे ऑफिस में ना प्रमोशन के लिए। यार आईफोन में अपने आप ही फ्लैश लाइट जल जाता है अंधेरे में अगर कैमरा ऑन करो तो। हैं अंजलि बोलो ना, या तुम्हारे हाथ में प्याज था ना, मेरे को लग रहा था कि अंडे बना रही है, तू दिखाना मुंह। अरे कितनी अच्छी लगती है खाना बनाते हुए, बड़े दिन हो गए थे ये लाइन बोले हुए है ना, हंसती भी अंजलि तू, हमको तो लगा सिर्फ बोलती है। पहाड़ दिख रहा है, अरे अंजलिया अंजलिया अगे अंजलि अंजलिया गए पहाड़ दिख रहा है, चल दिखाता हूँ। मैं मुझे मैंने देख लिया था यार अंजलि, ये देखना ये तरह निकल रहा है यार, ये चीज ना है। ऑपरेशन करवा दो इसका भी। नहीं ऑपरेशन नहीं, एक्चुअली हम हंसते नहीं है ना, तो मतलब चेहरे की एक्सरसाइज नहीं होती इसलिए वो लटक रहा है। करने है पनीर दो निकालो, पनीर लेगी अंजलि मेरे को सुना रही है। बताओ कि आप अपने आइडिया अपने पास रखो, किचन के आइडियाज, मेरे आइडियाज और मेरे बनाए हुए खाने इतने अच्छे आते हैं ना अंजलि कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छा इस जिंदगी में तो नहीं मिल सकता था। एकदम उन्हीं लोगों को बैठा के खिलाओ यार अंजलि, इतना बढ़िया बढ़िया हम तुमको खिलाए जब तुम्हारा हाथ टूटा हुआ था अंजलि, सब भूल गई तुम। हाँ तू ज्यादा चार्ज हो गई है क्या? तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का, पूरी पे आटा तैयार है, आलू तैयार है और यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, उसके बाद हम पूरी सारी पूड़ियां ना फूली हुई हैं। फूली हुई है तो मैं उसमें घुस जाता हूँ। घुस जाओ आपकी मर्जी है। अंजलि ये दोस्तों ये अंजलि ने पूड़ी बनाई है, थोड़ा सा और बड़ा कर देती ना तो रोटी बन जाता। नहीं परांठा एक्चुअली मैंने आलू ज्यादा स्टफ किया हुआ है, ठीक है okay. और इसको लंबा ज्यादा बड़ा इसलिए क्योंकि इसको पतला कर दिया गया है। क्यों बोला मेरे को? यहाँ पे हरी मिर्च, दही,
हम लोग पूरी या पराठा दही या फिर हरी चटनी के साथ ही खाते हैं। यार धनिया तो मिल ही नहीं रहा, मैं ढूंढ के आया था बट बाकी सब्जी खीर एक दिन और भी बनेगा, हम बता देंगे किस दिन बनेगा। आप लोग भी बना के खा लेना। ये क्या है? क्या है, क्या है ये? वही तो मैं पूछ रही हूँ, अपने में दो और मेरे में चार। सबसे ज्यादा बड़ा पेट क्या मेरा ही है? दही में नमक मिला है? मैं कहूंगी इतना खट्टा कैसे हो गया दही? ओरिजिनल चीज खाने का टेस्ट होता है ना, वो किसी और चीज के साथ में होता है। जैसे मान लो पूरी खानी है तो सिर्फ पूरी अगर आप खाओ ना तो पूरी का टेस्ट पता चलेगा, आलू की पूरी है ना। अब उसके साथ कुछ सब्जी सुब्जी है तो फिर पूरी का मजा ही आता, समझ रही हो? जैसे मैं कभी भी बर्गर खाता हूँ तो मैं सॉस नहीं यूज करता, पिज्जा खाता हूँ तो सॉस नहीं यूज कर रहा, सॉस का ही खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आने लगता है ना। तो जो अगर रियल टेस्ट लेना है, जैसे नूडल्स, नूडल्स का टेस्ट सिर्फ नूडल्स का, उसमें लोग क्या करते हैं केचप पेचप सब कुछ ठूस के खाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये भी सही है, बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। बट मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी। तुम नहीं बोलोगे मुझे? नहीं। तुम बोलोगे मुझे थैंक यू? क्यों मैं बोलूं? मेरी मर्जी। एक दिन तारीफ की है। मेरी मर्जी, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, इतने लंबे टाइम तो हो गया। बहुत दिन हो गए पूरी खाए हुए। मैंने बनाया ना। मैं एक बात है यार, तुम कुछ बनाती हो ना, मुझे पसंद आ जाता है तो मैं रोता रहता हूँ तुम बनाती नहीं हो। अब जैसे एग परोठा हो गया, कितने प्यार से मैं खाता हूँ यार, तुम बनाती हो तो एग रोल हो गया, अब तुमको बोल दो बनाने के लिए तो तुम रोने लगती हो। आपका आदत पता है क्या है, आपको जो चीज पसंद आ जाता है आपको डेली वही चीज चाहिए होता है, तो इंसान परेशान हो जाता है एक ही चीज खा खा के, बनाने से नहीं। जाओ, घर से फोन आया। बाद में